नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति हेतु विधानसभा स्तरीय संगठन समीक्षा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन रीवा जिले के जनपद मैदान जवा में आयोजित किया गया। आयोजन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह रहा व मुख्य अतिथि के स्वागत में बरदहा पहाड़ से लेकर जवा बाजार तक दोपहिया वाहन की रैली निकालकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में विकास सिंह पटेल संगठन प्रभारी रीवा जिला रहे। सभा स्थल में ही वरिष्ठ समाज सेवी सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक बीडी पांडे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम के हाथों बहुजन समाज की सदस्यता लेकर पार्टी में शामिल हो गए। मुख्य अतिथि ने बीडी पांडे सहित उनके समर्थकों का स्वागत करते हुए कहा कि आपके आने से पार्टी एवं संगठन को मजबूती मिलेगी, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिरमौर विधानसभा के जवा में बीडी पांडे ने एवं उनके साथियों को बसपा में शामिल करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश प्रभारी श्रीकांत ने कहा, कांग्रेस ने 60 साल तक देश में शासन किया, उसके बड़े नेता का नाम राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के कारण कांग्रेस सत्तासीन हुई। भाजपा के बड़े नेता वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी, एक देवरानी तो एक जेठानी है। जनता को इनके असलियत को समझना होगा और हाथी का बटन दबाकर इन्हें सत्ता के गलियारों के बाहर निकालना होगा। उन्होंने जो संविधान की संरचना किया, संविधान का नया आयाम दिया, भारतीय संविधान का नया आयाम दिया, उनके उस आयाम को हम आज भी नहीं भुला सकते हैं। वो हमारे लिए मार्गदर्शक रहे। इसीलिए मरणोपरांत 1999 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए माननीय काशीराम जी, जिनका जन्म 1934 में हुआ था। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जितने भी पदाधिकारी लोगों ने जो अपनी अपनी बातें रखी है उसका आप लोगों ने बारीकी से सुना है। जो आप लोगों ने कहा, आपने कहा है कि जो मंच से हमारा जो संगठन है और ये मेरा संगठन के माध्यम जो अभी आपने देखा है, जो बहुजन राज अधिकार यात्रा चला है और बहुजन राज अधिकार यात्रा से जन जन तक पहुंचने का काम किया और भाजपा और कांग्रेस के जितने जन विरोधी थे उसको उजागर किया गया और आए दिन बहुजन समाज पार्टी इन्हीं संगठन के बदौलत, इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत इस बार जो है पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सभी प्रदेशों में जो सभी विधानसभा में 230 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी और अपना प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। मध्य प्रदेश में सब पार्टी जो है सब समाज की पार्टी है और सभी सब समाज के लोग करके लेकर चलने वाले हैं और सभी समाज को जो है भागीदारी सुनिश्चित। और बहन जी ने कहा, और बहन जी ने मामा बाबा साहब जी को मानव काशीराम साहब के जितनी जितनी संख्या बारी उसकी जितनी हिस्सेदारी के साथ सभी लोगों को सम्मान दिया। पिछली बार बहुजन को उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता, इस बार क्या सोचते हैं आपके बहुजन? हमारा संगठन बहुत मजबूत है और संगठन की बदौलत जो है हम अपनी इस बार सिमरिया को जीतने जा रहे हैं।